हिमाचल एक्सप्रेस में जहां पर लोक कलाकार यहां पर हावी हैं, दूसरी तरफ कॉमेडी के नाम पर यहां पर हिमाचल प्रदेश में एक भी प्रतिभा नहीं थी, वहीं एक देहरा का बच्चा जो है कॉमेडी में अपना नाम रोशन करता है और आगे चलकर देश प्रदेश में अपना नाम रोशन करता है। हमारे साथ मशहूर कॉमेडियन, मशहूर इसलिए कहेंगे क्योंकि डीडी नेशनल पर इनका प्रोग्राम आ चुका है, मशहूर कॉमेडियन प्रिंस गर्ग हमारे साथ हैं। आइए बातचीत करते हैं प्रिंस गर्ग से। प्रिंस जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। सबसे पहले आप मेरे को अपने विस्तार पूर्वक अपने जीवन रेखा के बारे में बताएं, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ के रहने वाले? जी, मैं जब सिक्स में पढ़ता था तो जैसे दोस्तों को हंसाते हैं तो वैसे कभी बाल सभा होती थी स्कूल में, तो मैं स्टेज पे चुटकुले सुनाता था। तो उस टाइम ऐसा होता था कि मुझे दो मिनट के लिए चुटकुले सुनाने हैं तो मैं हाथ पे एक दो लिख के चला जाता था और वो ही बार बार सुनाते थे, लोग फिर हंसते थे। मेरा सुनाने का तरीका बहुत अच्छा था तो उसी की वजह से मेरे टीचरों को लगा कि तुम्हें इसमें करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो फिर आगे आगे बढ़ता बढ़ता ये कारोबार आज दुनिया पर छा रहा है। जी, आप मेरे को ये बताइए, लोग जो हैं वो गायकी के क्षेत्र में आगे होते हैं, खेल के क्षेत्र में आगे होते हैं, ये कॉमेडी के क्षेत्र कैसे चुना आपने? एक्चुअली मेरे घर में जो माहौल है वो हंसने और खेलने वाला है। मेरे पापा जी बहुत मजाकिया हैं, मम्मी बहुत मजाकिया हैं, और जब मेरे खुद सिंगर बनने का शौक था, मैं बहुत से जागरण किए हैं, मैंने लोगों के पीछे जो बैक सिंगिंग गाते हैं मैंने बहुत सारी गाई है, पर मुझे ऐसा लगा कि लोग इनको पहचानते हैं तो मुझे क्यों नहीं पहचानेंगे। तो सिंगर तो हर किसी को बनना है, तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि लोग मेरे को अलग से जाने। तो जब लाफ्टर चैलेंज आया था नया नया, तो मैं उनको देख के, मेरे घर में उस टाइम मतलब दूसरी डिश नहीं थी, तो वहाँ पे मैं स्कूल से भाग के आता था 3:30 बजे न्यूज़ चैनल पे, किसी पे उनका टेलीकास्ट आता था हाँ सही के, तो मैं उनको देखने के लिए मेरे मन में था तो मैं लिख लेता था जल्दी जल्दी, तो वहाँ से मेरे मन में आगे से आगे आता गया और मैं धीरे धीरे बढ़ता गया। आप मेरे को एक चीज़ और बताइए प्रिंस जी, मिमिक्री आप करते हैं, मिमिक्री जो आप करते हैं किस तरीके की मिमिक्री होती है, वो आप हमें कुछ सुनाएं हिमाचल दर्शकों को। मैं मिमिक्री में नेशनल टॉप 5 रह चुका हूँ अभी 2016 में कानपुर से, और मैं हिमाचल में विनर रहा था, अनुराग जी से मैं विनर हुआ था, वहाँ पे मेरे को उन्होंने प्राइज अवार्ड दिया था जी। तो मिमिक्री मैं एक्टरों की भी करता हूँ और जो बेसिकल जैसे जानवर होते हैं, ढोल किस तरह बजते हैं जी। सबसे पहले तो एक्टरों की, ढोल जानवरों की बात में, एक्टर किस चीज़ की आप मिमिक्री जो सबसे अच्छी करते हो? जी जी, अभी जैसे हमारे मेयर मित्र जी हैं तो उनको कुछ बोलेंगे, ओए होए हो बीबी चले वियोड़ की चिमटा ते बाबे पीण के लिमका संगते कहो थैंक यू बाबा जी थैंक यू, बाबा जी मेरी नूह ना कम नू हाथ नहीं लाँदी, हो बीबी जे तेरी नूह कम नू हाथ नहीं लाँदी ते कम नू हाथ आप ला लिया कर, तेरे कड़े हाथ टूटे आ। जी जी, बहुत खूब। और कौन से एक्टर की आप मिमिक्री करते हैं? एक्टरों की मैं थोड़ी कम करता हूँ, पर वो मतलब होता है कि जैसे आजकल अभी बॉम्बे में 3 लाख लोग कम से कम मिमिक्री करने वाले हैं जी। तो मुझे जॉनी लेबर साहब जी एक बार मेरे साथ मिले थे मुझे, और सुनील पाल जी, तो उन्होंने बोला था कि बेटा आप मतलब मिमिक्री करो, बट बॉम्बे आना है आपको, टीवी पे छाना है, तो आप बेसिकली चीज़ें उठाओ। जैसे अभी मिमिक्री में मैं जैसे ढोल बजाता हूँ, अलग अलग तरह के ढोल की, ढोल की मिमिक्री जी। जैसे ढोल बजता है ना, तो ढोल एक नॉर्मल सा होता है, उसमें थोड़ा सा तेज करते हैं, इसको थोड़ा और तेज करते हैं, थैंक यू। जी जी जी, आप जानवरों की बात की थी, जानवरों की भी मिमिक्री आप करते हैं जी, जी। ये शौक कहाँ से जागा आपको? जी मैं जब 8th में पढ़ता था तो हिमाचल के ही दिलीप सिरमौरी जी हैं, वो चिड़ियों की आवाज़ बहुत अच्छी निकालते हैं, तो जब मैंने उनको स्टेज पे ऊपर देखा तो मैंने सोचा ये बंदा चिड़ियों की आवाज़ निकाल सकता है तो मैं क्यों नहीं। आज मैं 50 के करीब आवाज़ें निकालता हूँ अलग अलग तरह की, तो जब मैं उनसे मिला था तो मैंने उनको बताया था, तो बहुत खुश हुए थे वो जी। 50 में से कोई 2-3 आवाज़ें जो सबसे ज़्यादा आपको भी पसंद हो? जी, जैसे कोयल होगी, अब कोयल अपने पति को कौए को पूछ रही है कि तू मेरे साथ घूमने चलेगा, वैलेंटाइन डे उनका, तो बड़े प्यार से पूछ रही है, कौआ उसको चिढ़ के मना कर रहा है, 5 साल हो गए, थैंक यू जी। और कि कोई चीज़ ऐसी बताइए कि जैसे भविष्य में कोई योजनाएं हैं या कोई सीरियल जो आप कर रहे हैं या कॉमेडी का कोई सीरियल कर रहे हैं आप? अभी मेरी बात चल रही है, अभी एक 2-3 महीनों बाद एक स्टार प्लस पे एक नया शो आ रहा है, उसका मेरा एक राउंड क्लियर हो गया है, और आगे दुआएं रहीं तो आगे भी आप सभी का प्यार मिलता रहे, और हुआ तो जरूर आपको स्टार प्लस पे हंसाएंगे जी। जाते जाते हिमाचल एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए एक मिमिक्री जो आपके जहन में हो, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा करते हो लोगों का साथ? जी,
जैसे देखिए, बकरा बकरी को पूछता है कि तू मेरे साथ घूमने चलेगी, तो बकरा उसको बोल रहा है बा बा, बकरी उसको मना करी है ने, ने, ने। वो ऐसा होता है जी जी। मेरे साथ ऐसा ऐसा भी हुआ है, क्योंकि हिमाचल में सिंगरों को बहुत मौके मिलते हैं। हमीरपुर में अभी स्टार नाइट की थी मैंने इस साल, और 4 साल पहले मैं वहीं उसी हमीर उत्सव में ऑडिशन देने गया था, तो उन्होंने मेरे को ऑडिशन में ही निकाल दिया था। तो कभी, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे पापा जी के पास कभी इतने पैसे भी नहीं होते। जैसे मैं अमृतसर जाता था, दिल्ली जाता था, तो मेरे पापा छोटी सी दुकान करते हैं, तो उन्होंने कभी किसी से 1,000 रुपये उठा के दिया, कभी 2,000 उठा के दिया। मैं रास्ते में जाते टाइम ये भी सोचता था कि अगर मैंने यहाँ पर अगर 200 रुपये रोटी के लिए खर्च लिया, तो वापस आते टाइम मेरी जेब में पैसे होंगे कि नहीं। तो ऐसा भी होता था कभी लाइफ में। बस स्टैंडों पे पता नहीं कितनी बार सोया हूँ, कभी कहीं शो के लिए जाता था। आज भगवान की दया से हर जगह स्टार नाइट बुलाते हैं, बड़े बड़े लोग बुलाते हैं। खुद वीरभद्र जी से अवॉर्डेड हूँ, और 2016 में बेस्ट कॉमेडियन ऑफ हिमाचल का अवार्ड जीता है, और ऐसे बहुत सारे अवॉर्डेड हैं जो अभी भगवान की दया से मिल रहे हैं। तो मेरे मम्मी पापा ने मेरा बहुत साथ दिया है, और हमेशा मतलब उनका आशीर्वाद मिला है, और अब आप सभी का प्यार मिल रहा है साथ साथ, इसके लिए थैंक यू सो मच। और हिमाचल का और हिमाचल एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आप तक मेरी ज़िंदगी पहुँचाई, मेरी बातें पहुँचाई, थैंक यू। सवाल और आता है, प्रिंस जी आप कॉमेडियन हैं, परिवार ने कितनी मदद की, कितनी सहायता प्रदान हुई आपको परिवार से? क्योंकि जो सफ़र होता है, माँ बाप कहते हैं पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, लेकिन आपने कॉमेडी का रास्ता चुना, परिवार का कितना सहयोग रहा? एक्चुअली परिवार वाले बोलते थे कि आप पढ़ो, मैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट हूँ और इंजीनियरिंग करता था, सेकंड ईयर में इंजीनियरिंग छोड़ दी, MIT कॉलेज हमीरपुर में पढ़ता था मैं, और छोड़ी इसलिए कि रात को जब सोता था तो मेरे को स्टेज के सपने आते थे, पर जब छोड़ के घर आ गए तो पिताजी ने बोला कि ऐसा क्यों किया। फिर अपने ढलियारा कॉलेज में पढ़ता हूँ अभी, मेरे गुरु श्री रमन भागसेन जी और भट्टी रमेश भट्टी जी, उन्होंने मुझे रास्ता बताया कि आपको इस लाइन में जाना है, तो आगे से आगे आपको ये करना है। और उसके बाद फिर मेरे परिवार वाले ने, मतलब मेरे पापा जी मम्मी जी, खास करके मेरी मम्मी जी ने मुझे कभी रोका नहीं। पापा जी कभी वैसे बोल भी देते कि अभी इस बार नहीं, आगे अगली बार चले जाना ऑडिशन देने, या यहाँ पे नहीं वहाँ पे। मम्मी जी बोलते तुम बेटा जाओ, 200 मिलेगा, 500 मिलेगा, कभी फ्री भी गए हैं, बहुत सारे शोज़ मैंने फ्री भी किए हैं जी। तो मेरे परिवार ने बहुत साथ दिया मेरा जी। भविष्य में हिमाचल एक्सप्रेस की तरफ से आपको भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रिंस गर्ग जी। इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के उभरते हुए कलाकार और कॉमेडियन प्रिंस गर्ग हमारे साथ थे। कैमरामैन सतीश के साथ मैं प्रदीप धीमान, हिमाचल एक्सप्रेस पालमपुर।